हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज मैं जो पैंट काम में नहीं लेते हैं, जो पैंट बेकार हो जाते हैं, पहनते नहीं, उसी पैंट से मैं आज डोरमेट बनाऊंगी जो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और उन्हीं पैंटों में से 3 इंच का मैंने पट्टी काट ली है। आप चाहे तो 4 इंच का भी पट्टी काट सकते हैं। तो क्या देख सकते हैं गाइस, मैंने 3 इंच की पट्टियाँ काट के एक साथ मैंने काट के रख ली है। अब उन्हीं से मैं डोरमेट बनाऊंगी जो काफ़ी अच्छी लगती है बनने के बाद। आप देख सकते हैं गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देख सकते हैं गाइस, मैं उन्हीं पैंटों में से प्योर सर्कल गोल कपड़ा काट लिए हैं, इन्हीं में मैं आपको डोरमेट बनाऊंगी। और गाइस देख सकते हैं, ये जो 3 इंच की पट्टी मैंने लिए हैं, उन्हीं से मैं ऐसे प्लेट पर डालते हुए, चुन्ना डालते हुए मैं अटैच करके लेके आऊँगी। और ये धागे से मैंने बन किया है, जो मोटे वाला धागा आता है उसी से करना, ताकि वो पक्का रहता है और जल्दी से टूटती नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं, मैं इस तरह से चारों राउंड में, पूरे राउंड में प्लेट डालती हुई और पक्के धागे से मैं अटैच करके लेके आऊँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती लगते हैं मेरे, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। इसी तरह मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से कपड़े को फोल्ड करके अटैच कर रही हूँ। और जहाँ पर मैं कपड़े को फोल्ड करके प्लेट डाल रही हूँ, वहाँ पर मैं डबल धागे से इसे पक्का करूँगी। गाइस आपको मैं तो मशीन से भी आप डोरमेट बना सकते हैं, और मैं तो हाथों से ही इसकी सिलाई करती हूँ। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा गाइस, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आज का वीडियो मेरा काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। जितनी भी पट्टी बना रखा है मैंने 3 इंच का, वो मैं सारे अटैच करके दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा लगता है। और पास पास में अटैच करना, देख सकते हैं गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और काफ़ी अच्छा लगता है देख अभी। मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा गाइस। और थैंक यू फॉर वॉच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहिएगा।